अस्सलाम वालेकुम। आइए तो ज़बरदस्ती रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ऑयल ले लिया है। ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई लहसुन, लहसुन को मैंने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है। इन दोनों चीज़ों का हम हल्का से भून लेंगे। ये जो रेसिपी आज मैं दिखाने जा रही हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत ही डिलीशियस बनती है, आप देखते जाइए। और ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा भुन चुका है लहसुन। अब यहाँ पर मैंने एक प्याज ले लिया था, इसे बारीक चॉप कर लिया है। प्याज भी मैंने ऐड कर दिया है। और इन तीनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, 1/2 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इन सब चीज़ों को हम फुल फ्लेम पर ही सेकेंगे। बस ये थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम इसे भून लेंगे। देखिए ये भुन चुके हैं। हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा क्रंची चाहिए हमें। ये कैप्सिकम पे, एक कैप्सिकम को मैंने बारीक चॉप कर लिया था, इसे भी इसके साथ भून लेंगे। ये अभी फुल फ्लेम पर हमें भुनना है। हमें इसे गलाना बिल्कुल भी नहीं है, हमें थोड़ा क्रंची फ्लेवर चाहिए। और यहाँ पर एक गाजर ली थी, इसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिए, गाजर भी मैंने ऐड कर दी। और इन सब चीज़ों को हम साथ में भून लेंगे। इस पॉइंट पर आपको जो भी वेजिटेबल पसंद हो वो वेजिटेबल आप ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 50% बॉईल कर लिया था आलू को। अभी आलू को मैंने चॉपर में रख दिया है और अभी चॉपर में हम इसको चॉप कर लेंगे। और इसमें चॉप करने से फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से छोटे छोटे सी पीसेस में ये कट हो जाते हैं। बस हमें छोटे छोटे पीसेस ही चाहिए। देखिए ये चॉपर में बहुत ही अच्छा रहता है चॉप करना। और बस ये आलू भी मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। मैंने यहाँ पर 1 आलू लिया है। बस अब हम मसाले ऐड कर देते हैं। नमक 1 टेबल स्पून, आप स्वाद अनुसार डाल सकते हो। और यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर लिया था, 1 टेबल स्पून। और ये है ज़ीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून। और ये मैंने चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया है फ्रेंड। और यहाँ पर 1 चम्मच मैंने सेजवान चटनी ऐड कर ली है और 2 चम्मच केचप। सेजवान चटनी और केचप से बहुत ही टैंगी फ्लेवर आता है। और यहाँ पर मैंने गरम मसाला 1/2 टीस्पून ऐड कर दिया है। और इन सब चीज़ों को बहुत ही फटाफट से मिक्स कर देना है। हम ये फुल फ्लेम पर ही करेंगे। वीडियो में दिखा रही हूँ, ऐसे ही आपको करना है। ये रेसिपी इतनी टेस्टी और यम्मी बनती है कि बच्चों से लेकर बड़े एक बार अगर ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो रोज़ाना बना बना कर खाएंगे। देखिए इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। देखिए इसका कलर देखिए कितना यम्मी आ रहा है ना मुंह में पानी। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और आगे की मैं प्रोसीजर बताती हूँ आपको। फिर मैंने एक बाउल ले लिया है। यहाँ पर मैंने 1 कप भरकर मैदा ले लिया है और यहाँ पर 1/2 कप दही हम ऐड कर देंगे।
और ये है नमक, नमक स्वाद अनुसार आपको लेना है। और ये है बेकिंग पाउडर, ये थोड़ा सी पिंच ऑफ ही लेना है बेकिंग पाउडर। और थोड़ा थोड़ा पानी कर कर इसका हम घोल रेडी कर लेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करना है, हमें बहुत पतला घोल नहीं रेडी करना। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी कैसे ऐड कर रही हूँ, ऐसे ही आपको करना है। इसका हमें लम्स फ्री बैटर रेडी कर लेना है। देखिए बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर 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 और लम्स फ्री हम बैटर बना लेंगे। देखिए ये मैंने बना लिया है। अब हमें पता कैसे चले कि ये परफेक्ट रेडी हुआ है या नहीं, इसकी मैं आपको फ्रेंड्स एक ट्रिक बताती हूँ। देखिए मैंने एक कप भी ले लिया है, देखिए ऐसा बैटर होना चाहिए। और अब हमें पता कैसे चले, देखिए पीछे से मैं इसे डिप कर कर इसके ऊपर फिंगर लगा देती हूँ। देखिए अभी ये रन ही नहीं हो रहा, आप देख रहे हो, आप देख सकते हो कि ये रनी बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अगर रनी बैटर है तो ये ऐसा रनी हमें नहीं चाहिए। ये फिंगर मैं ऐसे कर रही हूँ तो रनी नहीं है, यानी स्टिकी है, बस हमें ऐसा ही बैटर चाहिए। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, थोड़ा सी मैंने यहाँ पर बटर का ऐड कर दिया है। और ये जो हमने बैटर रेडी किया है इसे हम बीच में पोर कर लेंगे। और डोसे के लिए हम कैसे सर्कल घुमाते हैं, बस ऐसे ही आपको करना है। अभी मैं आपको छोटी सेप की चपाती बनाकर दिखा रही हूँ। देखिए अगर ये सेकाने आएगा तो ऊपर से आप देख सकते हो पूरा ड्राई हो जाएगा। देखिए ये जैसे ही ड्राई होता है इसका मतलब ये कि ये ऊपर से मतलब नीचे से सिक चुका है और हम इसे पलट सकते हैं। और फ्रेंड्स ये नॉन स्टिक फ्राई पैन में बिल्कुल नीचे चिपकते नहीं हैं और बहुत ही इजीली फ्लिप भी हो जाते हैं। देखिए अभी इसके ऊपर हमें हल्का सी बटर लगा लेना है, हल्का सी लगाएंगे और इसे फ्लिप कर लेना है। बस हमें ये ऐसी ही चपाती रेडी कर लेनी है। देखिए ये अभी मैंने छोटी साइज़ की दिखाई आपको, क्योंकि किसी के घर में छोटी बनती है, किसी के घर में बड़ी बनती है, तो मैं सब साइज़ की आपको आज रेडी करके दिखा दूँगी। देखिए ये हमें इसे बहुत नहीं सेकनी, जस्ट हल्की सी ही सेकनी है। अब ये दूसरा बैटर से मैं बता देती हूँ आपको। देखिए ये थोड़ी बड़ी साइज़ की मैं आपको बताऊँगी कर कर। जैसे हम डोसे के लिए ऊपर स्प्रेड करते हैं ऐसे ही सेम करना है। और आप ऊपर से देखते हो तुरंत ही ये ड्राई हो जाती है ऊपर। देखिए ये पूरी ड्राई हो गई और इसे हमें बस फटाफट से फ्लिप कर लेना है। हम थोड़ा सी बटर लगाएंगे और इसे फ्लिप कर देंगे। इससे करने से क्या होता है फ्रेंड्स, ये बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी बनती है। और इसे हमें हल्की हल्की सेक लेनी है, बहुत ज़्यादा सेकनी नहीं है। देखिए देखिए ये सेकंड चपाती हमारी रेडी है। अब मैं थर्ड इससे भी बड़ी बनाकर बताऊंगी, देखिए, ताकि आपको आइडिया आए कैसे बनती है। देखिए ये पूरी इसकी ऊपर की जो सरफेस है वो ड्राई हो चुकी है। जैसे ही ड्राई हो हमें फ्लिप कर लेना है। देखिए और ये चपाती में हम बटर नहीं लगाएंगे, विदाउट बटर में मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए विदाउट बटर में भी आराम से सिक जाती है। देखिए इसे हाफ हाफ ही सेकना है। देखिए ये हमारी थर्ड चपाती रेडी हो चुकी है और ये लास्ट वन बता रही हूँ मैं आपको। देखिए ऊपर की सरफेस ड्राई हो जाए ऐसे ही हमें फ्लिप कर देना है। देखिए ये ड्राई हो चुकी है, इसे हम फ्लिप कर लेंगे। देखिए फ्लिप कर लिया हमने और ये हमारी फोर्थ वन रेडी हो गई है। मैंने छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी और सबसे बड़ी साइज़, ऐसे चार टाइप की मैं चपाती बता दी है। यहाँ पर हमने जो मिक्सचर रेडी किया है वो 2 टेबलस्पून भर कर हम ले लेंगे। और ये जो अभी हमने घोल बनाया था उसी में से मैंने थोड़ा घोल निकाल लिया था। ये हमारा फेविकॉल का काम करेगा फ्रेंड्स। और इसके ऊपर मैंने चीज़ की जो सीड्स आती है वो मैंने रख दी है। और आपके पास चीज़ सीड्स अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसे ही इसको ग्रेट कर कर चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और अब ये जो चपाती है उसके आजू बाजू हम परफेक्टली हमारा जो फेविकॉल बना के रेडी किया है वो हम लगा देंगे।
और वीडियो में दिखा रही हूँ ऐसे ही आपको करना है। और आजू बाजू से हम परफेक्टली इसे फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर थोड़ा और हम ग्लू लगा देंगे और आजू बाजू जो आपको दिखाई दे रहा है इसे भी फोल्ड कर लेंगे। इन शॉर्ट हमें ये इसके सबके स्क्वायर शेप कर लेना है। देखिए देखिए बस ऐसे ही स्क्वायर शेप आपको रेडी कर लेना है और मैं हर साइज़ का आपको करके दिखा दूँगी फटाफट से। देखिए ये मैंने छोटी वाली चपाती ले ली है और यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून पूरन रख दिया है और फटाफट से हमने हमारा ग्लू लगा दिया है। और बस देखिए आप वीडियो में देख रहे हैं ऐसे ही फटाफट से करना है। और ये मैंने जो सिलिकॉन ब्रश लिया है, ब्रश से फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लग जाता है, स्प्रेड हो जाता है फिंगर करते ही, ये सिलिकॉन ब्रश से बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए आप देख सकते हो और ये जो हमारा गोल है वो फेविकॉल का काम करता है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये स्टिक हो जाएगा। देखिए अभी लास्ट वन, बस ऐसे ही मैंने देखिए छोटे बड़े और इससे बड़े और उससे बड़े चार हमने जो चपाटियाँ बनाई थी वो चारों रेडी करके मैंने आपको बता दी है। देखिए सब साइज़ में आपको जो साइज़ पसंद हो वो साइज़ का बना सकते हो। और यहाँ पर हम बहुत ही लेस ऑयल में इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। बस ये जो हमने पॉकेट्स रेडी किए हैं स्क्वायर शेप में वो हम चारों चार इसमें प्लेस कर देंगे और इसे हम बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है और फ्रेंड ट्रस्ट मी ये इतने टेस्टी और यमी बनते हैं, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक के फेवरेट होते हैं ये। और एक बार ये न्यू रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। इसमें हमें कोई बार की सीड्स वगैरह भी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हाथ से ही ये बैटर से बहुत ही ईजीली सीड्स रेडी कर सकते हैं। देखिए इसे हम आगे पीछे से घुमा घुमा कर पलट पलट कर बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे ताकि इसका जो क्रंचीनेस आए और अंदर जो हमने चीज़ वगैरह डाली है वो भी मेल्ट हो जाए और चीज़ी फ्लेवर आ जाए। देखिए देखिए कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बस हम निकाल लेंगे। और देखा आपने कितने लेस ऑयल में ये कुक हो चुके हैं, देखिए। और इसका टेस्ट भी बहुत ही यमी आता है फ्रेंड्स। ये मैंने हर साइज़ के बना के आपको इसीलिए दिखा है कि क्योंकि किसी के वहाँ छोटी चपाटी बनती है, किसी के वहाँ बड़ी और किसी के वहाँ बहुत बड़ी बनती है, बस उस हिसाब से ही मैंने दिखा है। आप चाहो तो इक्वली शेप में रेडी कर सकते हो, आपको जैसा शेप पसंद हो। देखिए ये बहुत ही हेल्दी डिश है फ्रेंड्स क्योंकि इसमें हमने वेजिटेबल्स ऐड की है। इसमें आप चाहो तो और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो, मटर वगैरह भी ऐड कर सकते हो, जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद हो। और ये बहुत ही हेल्दी स्नैक बनकर रेडी है। देखिए आप देख सकते हो कितने यम्मी बने हैं ये पॉकेट्स। तो देखा आपने कितने फटाफट रेडी हो चुके हैं। आप इसकी सीड्स स्टोर भी करके रख सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में सीड्स रेडी करके फटाफट से आप इसे जिप ब्लॉक बैग में पैक कर लीजिए और इसको फ्रीज कर दीजिए और जब चाहे तब निकालिए और स्क्वायर शेप के पॉकेट्स रेडी कर लीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूँगी। दुआओं में याद रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अस्सलामु अलैकुम।